यह जिले के चनौती थाना क्षेत्र स्थित सीमेंट फैक्ट्री के निकट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए दो कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार भी किया बरामद। चंदौती पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है एक गाड़ी से घूम रहे हैं, स्टीम गाड़ी से एसएचओ चंदौती को। उसके बाद जो है सूचना के आलोक में एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर और चंदौती एसएचओ और जो टेक्निकल सेल है उनकी टीम द्वारा जो है छापेमारी की गई, और छापेमारी के क्रम में दो अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक प्रिंस कुमार उर्फ मोहम्मद शादाब, जिनके पास थे 9mm पिस्टल और 5 गोली मिली है उसकी। उसके साथ ही एक और अन्य अपराधी उनके साथ जो है संतोष कुमार हैं, जो खिजरसराय के रहने वाले हैं, उनके पास से 0.315 बोर का जो है कट्टा मिला है। पूछताछ के क्रम में लोगों द्वारा बताया गया कि 5 नवंबर को एक लूट हुई थी, एक स्कॉर्पियो की लूट हुई थी, उस लूट की घटना में भी ये लोग शामिल थे। एक्चुअल में वो घटना लूट की नहीं थी, इन लोगों ने ही जो है शराब मंगाई थी किसी से और स्कॉर्पियो से शराब आई थी, और उसके बाद जबरदस्ती ये लोग पूरे शराब सहित स्कॉर्पियो लेके चले गए थे। उस घटना में भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके अलावा कई अन्य कांडों में भी जो हम लोगों की सूचना है कि इन लोगों ने घटनाएं कारित की हैं, उस संबंध में भी इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। और जो लूटी गई स्कॉर्पियो थी वो भी इनकी निशानदेही पे बरामद कर ली गई, साथ ही साथ जो स्टीम कार थी जिससे इन लोगों ने स्कॉर्पियो लूटा था वो भी बरामद कर ली गई। एक स्कॉर्पियो है, एक स्टीम कार है, और उसके अलावा एक 9mm पिस्टल है उसकी गोलियां, और एक 315 बोर का कट्टा है उसकी गोलियां। 9mm पिस्टल जो है वो जो अभी प्रथम दृष्टया हम लोगों को लग रहा है और जो उस पर लिखा हुआ है रेगुलर पिस्टल, हम लोगों को लग रही है कि वो रेगुलर पिस्टल है, कंट्री मेड वेपन नहीं है। लेकिन अब उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जांच के आधार पे ही पता चल पाएगा कि रेगुलर है कि कंट्री मेड है, लेकिन प्रथम दृष्टया वो रेगुलर लग रही है। जो उसका बनावट है और जो और चीज़ें हैं उससे लग रहा है कि रेगुलर पिस्टल है। क्रिमिनल बैकग्राउंड, ये जो प्रिंस है इनका तो काफ़ी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, अभी तो हमारे पास नहीं, लेकिन ये कई केसेस में वांछित हैं, कई केसेस में। गया जिला के चनौती थाना क्षेत्र स्थित शिवपुरी नगर में एक घर में घुसकर आधा दर्जन डकैतों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। वहीं सोते हुए लोगों को ताबड़तोड़ पीट कर घर में किया बंद। वहीं बंद करने के बाद डकैतों ने घर के सामानों की लूटपाट। इस संबंध में एसएसपी ने बताया कि डकैती की मिली है सूचना, उन्होंने कार्रवाई का दिया आश्वासन। पाँच से छह लोग आए करीब, आने के बाद हाथ में डंडा लिए हुए था, आने के बाद दरवाजा खटखटाया, हम लॉबी में सोए हुए थे, मुझे सोते वक्त ही एक डंडा मारा, जैसे ही मैंने उठे उसके बाद से दो डंडा और मार दिया माथा पे, जिससे पूरा माथा फट गया और दर्द होने लगा। भैया भी जब दरवाज़ा खोले तो खोलते भी उनका मारा सर पे, तो उनका भी सर फूट गया। मेरा छोटा भाई को इतना मारा कि नाक टूट गया है, बेचारा को सीटी स्कैन होने गया, और करीब 5-6 लाख का गहना, 50-60 हज़ार का नकदी ले करके वो गया है यहाँ से। मेरे हस्बैंड यहाँ से सोए हुए थे, हम अपने बेटा के साथ रूम में थे, दीदी और भैया अपने रूम में थे और मेरे देवर उस रूम में थे। यहाँ पे इसका एग्जाम था तो इसको हम पढ़ा रहे थे, तो इनको नींद आ रहा था, ये बोले कि हम यही सो जाते हैं, तब तक हमको नींद आ रहा था तो हम वहाँ पे सो गए। तो अचानक हम आवाज़ हल्ला कर सुने, नींद हमको ही पड़ गया था कि अचानक आवाज़ सुने तो हम बाहर आए, तो हमको लगा भाई भाई में लोग अपना लड़ाई कर रहे हैं। फिर जब बाहर आए तो देखे कि एक आदमी लाठी लेके अंदर, मतलब धक्का मारा तो उधर फेंका गए, तो वहाँ पे पीछे हमको बैक में भी चोट लगा, और इन लोग वो आदमी हमको धक्का दिया, घसीटते हमको उस रूम में ले गया, और इन लोगों को तो खूब माथा उठा, लाठी उठी से तीनों भाई को खूब मारा, और दीदी को भी मारा, दीदी लोग तीनों सब तो हॉस्पिटल गए। और हम लोग गया के पुरानी करीमगंज के समीप रेलवे मैदान में रेलवे अधिकारियों के निर्देशानुसार कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण कार्य को लेकर शुक्रवार को भूमि पूजन का किया जा रहा था आयोजन, जिसके बाद आसपास के लोगों ने भड़क कर इसका किया विरोध। लोगों ने कहा कि रेलवे मैदान रहा है ऐतिहासिक, यहां से कई क्रिकेट खिलाड़ी और फुटबॉल खिलाड़ियों ने देश का नाम किया है रोशन। वहीं विरोध करने के बाद रेलवे के अधिकारियों ने
आश्वासन देकर तत्काल काम को रोका। आज स्थानीय लोगों के द्वारा हमें सूचना दी गई कि रेलवे मैदान में भूमि पूजन किया जा रहा है। इस बात को सुनकर जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो रेलवे के आला अधिकारियों के द्वारा वहां पे भूमि पूजन किया जा रहा था। भूमि पूजन के बाद जब मैंने सवाल किया वहां के अधिकारियों से कि सर ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि रेलवे एम्प्लॉय के लिए यहां पे रेलवे क्वार्टर बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा कि सर ये मैदान ऐतिहासिक रहा है और इस मैदान पे ऐसे ऐसे खिलाड़ी पैदा हुए हैं जो कि देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर खेले हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये मैदान कभी रहा ही नहीं है। तो मैंने उनको यही बोला कि हम लोग जब से पैदा हुए हैं ये रेलवे मैदान था, है और रहेगा, इसे कोई तबाह और बर्बाद नहीं कर सकता है। आपके पास रेल की जमीन 100 मीटर के बाद कई एकड़ में है, आप क्वार्टर बनाइए, अपार्टमेंट बनाइए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। बच्चों की खेल की भावना को आप लोग उसका कद्र कीजिए। मैं रेलवे के आला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि इस पे वक्त रहते एक्शन लीजिए। राष्ट्रीय खिलाड़ी सैयद सबा करीम जब स्टेट लेवल के खिलाड़ी थे तो यहां इस मैदान पर जल्द बिखेरे थे रेलवे मैदान में, बाद में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने और पूरे देश का नाम रोशन किया। अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं मंगल महरौर जो रेलवे मैदान में बराबर खेलते हैं। अभी बिहार क्रिकेट में इन्होंने अपना जलवा बिखेर रहे हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किया है, स्टेट रिप्रेजेंट किया है और नेशनल रिप्रेजेंट किया है। और फुटबॉल में भी हमारे आप जैसा जानते होंगे कि फुटबॉल के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी यहाँ पर पैदा हुए हैं, वो रेलवे मैदान का ही देन था। एक ऐतिहासिक स्थल कहा जा सकता है, एक ऐतिहासिक ग्राउंड कहा जा सकता है। इसलिए ये सारे बच्चों का पूरे करीमगंज और न्यू करीमगंज और आसपास के सभी मोहल्लावासी का, मारूगंज के खास के बच्चों का इससे बहुत ही भावना जुड़ा हुआ है। इसलिए चाहेंगे कि जो हमारे अधिकारी पदाधिकारी जो बड़े स्तर पर बैठे हुए हैं वो इस मैदान को बचाने का काम करें। 14वें धर्मगुरु दलाई लामा के बोधगया आगमन को लेकर बीटीएमसी परिसर में मगध कमिश्नर टीएन बिंदेश्वरी की मौजूदगी में जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस पदाधिकारियों के अलावा अन्य पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर की गई बैठक। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर की गई चर्चा। महापावन दलाई लामा जी का इस बार बोधगया में परिभ्रमण 16 दिसंबर से प्रस्तावित है और जिसमें उनका कालचक्र मैदान में 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विशेष प्रीचिंग या विशेष उनके वहाँ पर प्रवचन चलेगा। हम लोग उम्मीद करते हैं, हम लोग इस बार जो तैयारियां हैं ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि 14 तारीख तक सारी तैयारियां हो जाए, जिसमें कि विशेष ट्रैफिक प्लान इंश्योर किया जाएगा। उसमें यह भी इंश्योर किया जाएगा कि जगह जगह बैरिकेडिंग और पुलिस शिविर जो लगाए जाते हैं उनको चुके हैं, अतिरिक्त पुलिस बल और दंडाधिकारियों का वहाँ पर उनको पदस्थापित किया जा रहा है। CCTV कैमरे का पदस्थापन किया जा रहा है, स्पेशल अतिरिक्त का जहाँ जहाँ अगर कमी है वहाँ पर भी अतिरिक्त लगवाया जाएगा इस टाइम में। और साथ में ही सभी लोगों के लिए आपका पासेस ये सुनिश्चित किया जा रहा है और जो महापावन दलाई लामा का जो रहने का जगह है और जहाँ जहाँ उनका प्रस्तावित भ्रमण है, विजिट है, उसके लिए भी विशेष कार्य योजना तैयार की गई है ताकि वहाँ पर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या किसी भी अवांछित चीज़ों को हम लोग अलाउ ना करें। बोधगया प्रोजेक्ट कन्या 10+2 हाई स्कूल में भारत स्काउट गाइड की ओर से पॉलिथीन बहिष्कार को लेकर कार्यक्रम का किया आयोजन। इस मौके पर पॉलिथीन बहिष्कार एवं थैला इस्तेमाल करने को लेकर रैली निकाली गई, जिसकी शुरुआत जिला पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारियों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। भारत स्काउट गाइड परिवार गया जिला के द्वारा पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग का पूर्ण बहिष्कार करने के लिए एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस जागरूकता रैली को आदरणीय जिला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह जी और आदरणीय SSP राजीव मिश्रा जी ने हरी झंडी दिखाकर प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय से रवाना किया। तत्पश्चात वहां से स्काउट्स और गाइड्स पूरा बोध गया घूमते हुए गांधी चौक होते हुए 80 फीट तक पहुंचे और यहां पहुंचने पे किरण लामा जी जो 80 फीट मंदिर के मैनेजर हैं, इन्होंने बच्चों को संबोधित किया और काफ़ी अच्छे ढंग से आदरणीय DM साहब और SSP साहब ने बच्चों को उत्साहित किया और सभी लोग हमारे बच्चे काफ़ी उत्साहित थे। ये पॉलिथीन रुके इस पर चर्चा हुई और पूरा नारा लगाते हुए सारे बच्चे आए। एक अंदर का उत्साह था इनके अंदर का और वो उत्साह
शब्दों में अभिव्यक्त हो रहा था, इनकी भावनाओं में, इनकी कार्यशैली में और इनके शरीर से भी, शरीर के एक्सप्रेशन से भी पता चल रहा था कि इनके अंदर का जो उत्साह है वो जागा हुआ है। और बच्चे केवल लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद भी प्लास्टिक को रोकने के लिए काफी तत्पर हैं। प्लास्टिक का जो भी, वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से ये निर्देश आया हुआ है कि 50 माइक्रोन से नीचे का जो भी प्लास्टिक बैच है उसका पूर्ण रूपेण उपयोग रुक जाना चाहिए। बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्लास्टिक कैरी बैग को बंद कराने को लेकर बिहार में जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। इसी कड़ी में गया में 11 दिसंबर से लगातार जागरूकता अभियान का किया जा रहा है आयोजन। वहीं शुक्रवार को गया नगर निगम स्थित डेल्हा के हिंदले मैदान में जागरूकता समारोह का किया गया आयोजन। जिससे प्लास्टिक बैन, शराबबंदी, नशा मुक्ति, प्रदूषण मुक्त कराने के लिए बहुत से कवित्रियों के माध्यम से सब जनता को जागरूक करवाने के लिए गया नगर निगम ये हर प्रोग्राम किया गया है और बार बार डोर टू डोर भी सबको बताया जा रहा है कि प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक चीज़ है। और गया वासियों से अपील करना चाहते हैं कि आप प्लास्टिक को यूज मत करें, जिससे आपका जीवन असुरक्षित है। मैं गया के नागरिकों के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि गया ने एक इतनी बड़ी पहल की है जो देश के किसी शहर ने नहीं की थी। जो ये अभियान चलाया है नगर निगम गया ने वो अद्भुत है। अभी मैं देख रहा था कि जिस तरह से पब्लिक शामिल हो रही है, हाथ उठा रही है, महसूस कर रही है कि उसे अपने शहर को साफ रखना है, अपनी गली को साफ रखना है, अपने घर को साफ रखना है, तो ये एक शुरुआत है पूरे देश को विश्व स्तर पर सुंदर और साफ बनाने की। ये अभियान जो है लगातार 11 तारीख से प्रारंभ हुआ और आज से अंचलवार प्रारंभ हुआ जो ये हिंदले फील्ड डेल्हा खरपुरा से चल रहा है। इसके बाद कल केंद्रीय विद्यालय में, इसी तरह से परसों फिर आजाद पार्क में, फिर आजाद मोहानी ऑडिटोरियम में है, गया कॉलेज में है, किला धर्मशाला में है, उसके बाद मानपुर के दुर्गा स्थान में है। ये सब जगह एक एक घर में डोर टू डोर प्रचार चल रहा है। डोर टू डोर करते हुए, अंचलवार करते हुए 21 तारीख को गया के गांधी मैदान में, शुक्रवार को गया के गोदावरी स्थित पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का किया गया आयोजन। मौके पर संवाददाता सम्मेलन में वरिष्ठ नेता एवं विधान पार्षद संतोष मांझी ने बीते दिनों हम पार्टी के द्वारा गया के गांधी मैदान में गरीब चेतना रैली की सफलता को लेकर अपने कार्यकर्ता और नेतागण को दी बधाई। का एक हजूम गया के गांधी मैदान लाखों की संख्या में आए थे, तो जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेतागण हैं, सभी लोगों ने एक सहयोग जिस हिसाब से किया था इतने लोगों को लाने में, इतने लोगों के पास हमारी पार्टी की आवाज़ पहुंचाने, हमारी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने के लिए, तो मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन सभी लोगों को जो हमारी पार्टी को इतना बड़ा सहयोग किया और जितना उनका जो परिश्रम रहा उसका धन्यवाद देने के लिए और उनको शुक्रिया अदा करने के लिए हम लोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। और दूसरा मुद्दा है कि जो जिस तरह से हम चुनाव जो हुआ है लोकसभा विधानसभा का, 5 विधानसभा खास करके 3 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जो जीत हुई है, ये कहीं ना कहीं अब ये दर्शा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा था, जो उन्होंने सपने दिखाए थे, वो ध्वस्त हो चुका है। जनता जाग चुकी है और जान चुकी है और आने वाला जो चुनाव है 2019 में जनता पूरी जवाब देगी और इस सरकार को फाड़ कर फेंकने का काम करेगी। हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारी पार्टी, हमारे नेता लड़े हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ से हम काम कर रहे हैं और हम बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और दूसरे जगह भी हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी हमारी स्थिति अच्छी है। हम लोग तो चाहते हैं, अगर कार्यकर्ता के रूप में हमसे अगर आप पूछते हैं, तो मेरी पूरी इच्छा है कि हम गया से हमारे पार्टी के नेता यहाँ से चुनाव लड़ें, पार्टी हमारी चुनाव लड़े, लेकिन जब तक हम नहीं बोल सकते आधिकारिक तौर पर, जब तक वार्ता नहीं होगी, एक टेबल पर बैठ करके हमारे महागठबंधन में कोई सामंजस्य नहीं होगा, तो आधिकारिक तौर पर हम नहीं बोल सकते। सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स तेज टावर, एड्रेस रसलपुर अपोजिट जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, गया पटना रोड, गया। नाउ फर्स्ट टाइम इन गया, कॉन्टैक्ट फॉर बुकिंग अपार्टमेंट। ऑफिस एड्रेस सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड।
एड्रेस कोयरी बारी अपोजिट परम ज्ञान निकेतन स्कूल गया। फैसिलिटीज क्लब हाउस, इंटरकॉम, कार पार्किंग, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, फायर सेफ्टी, सिक्योरिटी सीसीटीवी, इंडोर गेम, वास्तु फ्रेंडली, सिक्योरिटी, जिनसेट, लिफ्ट, वाईफाई, रीडिंग हॉल, कॉमन हॉल, शॉपिंग एरिया, एरोबिक क्लासेस। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, हरी अप, बुकिंग ओपन। तेज टावर, एड्रेस रसलपुर अपोजिट जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, गया पटना रोड, गया। नाउ फर्स्ट टाइम इन गया। ऑफिस एड्रेस सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस कोयरी बारी अपोजिट परम ज्ञान निकेतन स्कूल, गया। कॉन्टैक्ट नंबर 8434549676 और 7462835223।